और अफ्तरनून एवरीवन ऑफ सभी को, मैं पल्लव सोई और फिर एक बार स्वागत करता हूं आपको तमलुक के सरजमीन पर। तमलुक आपके पसंदीदा ये मैदान, आपके खूबसूरत से तमलुक के सरजमीन में फिर एक बार भैया क्रिकेट के महासंग्राम, क्रिकेट के महायुद्ध में आप सभी का फिर एक बार दिल से स्वागत है। तो इस टूर्नामेंट का पहला मैच, दो बड़े टीम, एक तरफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है टीम टीवीवीसी और दूसरी तरफ भैया जंगल महान से आने वाला ये टीम, आपके पसंदीदा ये टीम भूतेश्वर। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, एक तरफ विमल सिंह और दूसरे तरफ द मैन फ्रॉम दुर्गापुर सरपी रंजीत को, गेंदबाजी के मोर्चे पर नील माधव। इस बार देखिए यॉर्कर डिलीवरी, तो फर्स्ट ओवर के खेल यहां पे प्रगति पर है। फर्स्ट बॉल वहां पे व्हाइट के साथ शुरुआत किए थे, फिर एक बार यहां पे बहुत ही शानदार लाइन खेलना पड़ेगा नील माधव, बहुत ही मैच्योर खिलाड़ी है। अगर बात करें झारग्राम टेनिस सीजन में, अगर बात करें प्रीवियस 10-12 सालों से लगातार बहुत सारे मैचेस खेलते आ रहे हैं नील माधव। सामने विमल सिंह, विमल सिंह यॉर्कर डिलीवरी, फिर एक बार घुटना को टेका जरूर था लेकिन बल्ले के साथ उतना कुछ खास संपर्क नहीं, और उसी के चलते यहां पर बिंदी गेंद। तो अच्छा गेंदबाजी यहां पर, 6 ओवर का मुकाबला, 36 गेंदों का मुकाबला, और जिस तरह से यहां पे नील माधव शुरुआत किए हैं काफी बेहतरीन शुरुआत, काफी आला शुरुआत। विमल सिंह इंतजार कर रहे थे, चलिए पहला चौका आएगा विमल के बल्ले से। और कहते हैं ना भैया शुभ काम में देरी किस चीज का, तो शुभ काम यहां पे शुभ भैया अंदाज में किया है, चौका के साथ यहां पे शुरुआत किया है विमल सिंह, पहला चौका। इस बार देखिए चपैरों पे गेंदबाजी, तो फिर एक बार डॉट बॉल, फर्स्ट ओवर के खेल प्रगति पर, बहुत ही बड़ा मुकाबला कह सकते हैं आटोपानी का सीजन 3। चलिए बहुत ही शानदार फील्डिंग है अपॉइंट के, सबका फील्डिंग है अपॉइंट, फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र पर मिस्टर बॉक्स नाम है। तो इसी के साथ फर्स्ट ओवर की खेल यहां पर समाप्त, एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में रन संख्या पहुंचा है कुल मिलाकर 5 रन तक, 5 विदाउट लॉस, टीम टीवीवीसी को मैक्सी के नाम से लोग पहचानते हैं। फुल टॉस डिलीवरी यहां पर, लेकिन नाराज होंगे बबलू, सीधा बल्ला से खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है वहां पर मैक्सी ने। दूसरा ही गेंद, ये शॉट देखिए नसाकत भरा, ये शॉट अपना भैया बायां पैर को खोला है सीधा गेंद के साथ, क्या बेहतरीन टाइमिंग देखने मिला है वहां पर बबलू का। और दिन के शुरुआत में अगर बल्ला और गेंद के बीच इस तरह से टाइमिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल रहता है, आपका जो आत्मविश्वास रहता है वो काफी हाई हो जाता है। बबलू शुरुआती वक्त में थोड़ा टाइम लेते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लेते हैं, और वक्त के साथ साथ और बेहतर हुआ आगमनी का सीजन 3। शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद विमल सिंह, भैया इनके पाले में गेंद मतलब बाउंड्री के सफर में गेंद, तो विमल सिंह के नाम के पास लिखा रहेगा ये दूसरा चौका, 4 रन लगा चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रन तक। फिर एक बार देखिए ये अच्छा गेंद, शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में, 6 ओवर के क्रिकेट में यॉर्कर से बेहतर विकल्प आपको देखने नहीं मिलेगा, तो यॉर्कर के साथ वहां से गेंद, ये कुछ अजीब गरीब शॉट खेला था 1983 में भैया मिस्टर कपिल देव, हिंदी गेंद डॉट बॉल विमल से, चलिए देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और जाते जाते भैया दर्शकों के दिलों को मंत्रमुग्ध करके जाएंगे, अंतिम गेंद पर एक सुनहरा चौका लगा के जाएंगे। दुर्गापुर सरफी का रहने वाला ये नौजवान बल्लेबाज, चलिए इस बार फिर एक बार यॉर्कर डिलीवरी, खोद के निकल है इस गेंद को, पीछे राहुल महापात्र एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, चलिए फिर एक बार शॉट तो कड़क है लेकिन कहीं ना कहीं राहुल महापात्र इस खिलाड़ी को बीट करना मुश्किल है, बल्लेबाजी भी करते हैं गेंदबाजी भी करते हैं, फील्ड करते वक्त चीते की तरह दौड़ लगाते हैं राहुल। देखिए धीमा गेंद, गेंद को पढ़ नहीं पाए हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर को महसूस करेंगे लेकिन प्रेशर को झेलना जानते हैं बबलू, बड़े मंच का ये बड़ा सरपंच रंजीत को उर्फ बबलू। फिर एक बार क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब की गेंदबाजी, लेकिन
भैया इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बबलू भैया आंखों में रुमाल बांध के चौका मार देंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद ना ओवर में यहाँ पे तब्दील कर पाएंगे बबलू या फिर पीयूष चाहते जाते और कुछ अच्छे गेंद चल जाएंगे। जाते जाते इस ओवर को बड़ा बना के जाएंगे बबलू। लगातार दो गेंद, दो आसमानी टोला, दो तूफानी यहाँ पे बाउंड्री, दो यहाँ पर खूबसूरत सचार रन। भारत टीम ने खेल चली है वो ए टीम ने खेल बन चलिए फिर एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर खेल दिया पर अंपायर से संतुष्ट हैं। बॉल बॉल के साथ फिर एक बार शुरुआत करेंगे बिमल सोचने फिर एक बार ये देखिए इस बार लाइन और लेंथ सराहने लायक लाइन और लेंथ जितना तारीफ करे उतना कम पर क्यों इनको तीन चार है ना दूटा हला दूटा ओरे। इस बार देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद राइज किया था बिल्कुल पढ़ नहीं पाए इस गेंद को हवा के संग संग घटा के साथ साथ सीधे कीपर के हाथों पर इस बार एक्स्ट्रा के बाहर की गेंद दोनों ही दिग्गज ऑफिशियल इस बार व्हाइट का संकेत देते हुए एक्स्ट्रा एक रन अतिरिक्त एक रन लाइना ये गजब का शॉट है ये कड़क शॉट है भैया अगर बात करें एक्स्ट्रा कवर के तरफ चौका लगा डाला तो लाइक जिंगा लाला तो ये गजब का शॉट है और ये गेंद को रोकने के लिए नाकामयाब होंगे खिलाड़ी पीयूष गजब का ये शॉट बबलू लगातार दो गेंद दो चौका और इसीलिए तो कहते हैं कि भैया मिस्टर अमिताभ बच्चन का मूवी का साइनिंग अमाउंट और बबलू का टैलेंट का अंदाजा अब बिल्कुल लगा नहीं सकते हैं। ये कमबैक है ये कमबैक है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस बार देखिए अच्छा लाइन यहाँ पे अच्छा लेंथ बिमल सिंह अंतिम 11 गेंद से 11 गेंदों में कितना ज्यादा यहाँ पे चौका लगा पाएंगे ये देखने लायक चीज है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए व्हाइट बॉल की संकेत और पकड़ा हुआ गेंद यहाँ पर फर्स्ट बाउंस का संकेत जरूर आया है ऑफिशियल की तरफ से लेकिन उतना ही अच्छा गेंदबाजी क्या गजब के गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए पीयूष छोटे करके जरूर हैं लेकिन गेंद को यहाँ पर मोड़ते हुए बीमल सिंह भैया जहां इनको मिलता है छोटी सी दरार ये रन ढूंढते हैं चार तो फिर एक बार बीमल सिंह का बल्ला बोलेगा भैया बीमल सिंह गजब का ये बल्लेबाज 24 करेट खारा सोना है ये बल्लेबाज। इस बार देखिए युवा का डिलीवरी बल्लेबाज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है हाथ खोलने का मौका नहीं दिया यहाँ पे बीमल सिंह को यही देख लो नाइट मार दिया पूरा मार दिया। चलिए जाते जाते अपने ट्रेडिशनल कुछ शॉट्स यहाँ पे दिखा जाएंगे और जाते जाते यहाँ पे चौका लूट के जाएंगे सिंह साहब। चलिए ऑप्शन के बाहर की गेंद कलाइयों का इस्तेमाल भैया कलाइयों का कला कही है रिस्क वक्त के सहारे गेंद को भेज दिया है सीधा गुमसुदा केंद्र में जो व्यूअर जुड़े हुए हैं उन्हें फिर एक बार मारा से करे हमारा की खराब पूरी दी। चलिए लगातार दो गेंद दो गेंदों पे दो चौका रंजीत को भैया सर्फी की सौगंध जब जब ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है दुर्गापुर का सौगंध हमें सुनाई देता है दुर्गापुर का सौगंध हमें भैया खुशबू आता है हमारे पास और ये बल्लेबाज ने फिर एक बार दो चौका यहां पर मुकम्मल किया है अपने बल्लेबाजी के बलबूते। चलिए फिर एक बार यहाँ पे चौका आएगा रन कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है रन आना चाहिए तो रन आता हुआ यहाँ पे तीन गेंद तीन चौका यहाँ पर। चलिए सीधा बल्ले से खेला हुआ शॉट पीछे खिलाड़ी तैनात है वहां पर लेकिन यहाँ पे चलिए लौटना पड़ेगा बल्लेबाज मिस्टर रंजीत गोफ को डगआउट की तरफ तो विकेट की होगी यहाँ पर पतन। चलिए बीमल सिंह उल्टा बल्ला से खेला हुआ ये सही शॉट उल्टा बल्ला से खेला हुआ ये नंदनिक शॉट ये दर्शनीय शॉट यहाँ पर चार रन अंतिम गेंद यहाँ पर बेहतरीन सेव कर सकते हैं सिंगल के साथ इस बारी को समाप्त करेंगे छह ओवर की समाप्ति छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में रन से तक पहुंच चुका है 62 तक 62 तो अवश्य 36